तो अब शुरू करते हैं सेल। ठीक है, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे सेल के बारे में, तो वो चीजें प्लस और एक्स्ट्रा हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, वही सब चीजें देखेंगे। तो ऑल सेल आर कंपोज्ड ऑफ चीफली कार्बन नाइट्रोजन, ये सब हम लोगों ने देखा था है ना पिछली क्लास में। ट्रेस अमाउंट ऑफ सेवरल अदर्स एलिमेंट्स, और ये सारा कुछ बनता है एक सेल से है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वन सेल टू सेल्स ये दोनों मिली, एक एम्ब्रियो बना, देन एम्ब्रियो से डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ और एक पूरा बेबी तैयार हो गया टाइप से। ठीक है, तो एक सेल से ही ये सारी कुछ चीजें बन जाती हैं डिफरेंशिएशन के बाद। तो अगर हमें जिंदगी को समझना है तो सबसे पहले सेल को समझना पड़ेगा। वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ सेल फंक्शन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ टिश्यू वर्क्स एंड देन हाउ ऑर्गन्स फंक्शन एंड देन हाउ आवर बॉडी वर्क्स। तो अगर हम लोग सेल को समझ लेंगे तो उसी के पर्सपेक्टिव में हम सारी चीज़ें धीरे धीरे समझना शुरू कर देंगे कि कैसे टिश्यू काम करता है, कैसे ऑर्गन काम करते हैं आपके, और कैसे हमारी बॉडी ओवरऑल काम करती है एज ए पूरा सिस्टम। इट्स अ काइंड ऑफ लाइक यू कैन जस्ट स्टार्ट रीडिंग अ बुक विदाउट फर्स्ट लर्निंग हाउ वर्ड्स आर पुट टुगेदर। तो सेल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? ठीक कहा आप लोगों ने कि सही है वो। आप देखते हो कि अगर हम लोग स्ट्रक्चरली देखें अपने को, जैसे ये कमरा ईंटों से मिलके बना है, वैसे हमारा भी शरीर सेल से मिलके बना है, तो स्ट्रक्चरली एक यूनिट हो गई वो। फंक्शनली भी वो अलग काम कर सकती है, अगर हम सेल को निकाल के अलग रख दें और कल्चर में ग्रो करने लगें तो भी वो एज एंटिटी काम करेगी। तो दैट इज वाई सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन कैरी आउट द ऑल द फंक्शन ऑफ अ लिविंग थिंग। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट रिटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म। तो ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट बॉडी, मतलब जो भी है बॉडी की, वो पूरा ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी रिटेन करके बता सकती है उस टाइप से। ये एक ऐसी साइट है जहां पे आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होते हैं दैट कीप ऑर्गेनिज्म अलाइव। आपकी जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जैसे क्रेब साइकिल हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, ये सारा कुछ सेल के अंदर ही होता है आपके। तो सेल्स आर सैक्स ऑफ फ्लूइड सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, और इस फ्लूइड के अंदर आप देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनलीज फ्लोट कर रहे होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनलीज आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनलीज जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं इस टाइप से। और ये सेल डिवाइड भी करती है, सेल कैन डिवाइड, और वहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज जो है बढ़ती जाती है। तो अगर शुरू से देखें तो कई लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है सेल के काम में, है ना। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप के जरिए एक थिन स्लाइस कॉर्क के अंदर स्मॉल बॉक्सेस देखे, और वो प्लांट सेल जो थे और उसी को बॉक्सेस को उन्होंने सेल का नाम दिया, और अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में उसको पब्लिश कराया, है ना, एक बुक में पब्लिश कराया और उसको सेल का नाम दिया। सेल इज ए स्मॉल रूम दैट मॉन्क्स लिव्ड, दैट इज कॉल्ड सेल्स और रूम्स इन द मोनेस्ट्रीज। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने उसको नाम सेल दिया। फर्स्ट लिविंग सेल देखी एंटोन वॉन लियेनहॉक। ठीक है, उन्होंने इस टाइप का एक माइक्रोस्कोप बनाया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरह के माइक्रोस्कोप को बनाया 1673 में, और उसके अंदर अपने माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने छोटे छोटे लिविंग थिंग्स को देखा, लिविंग क्रिएचर्स को देखा। वो अलग अलग पॉन्ड पानी लेके इस टीथ के स्क्रैप को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इस टाइप से अलग अलग छोटे छोटे उन्होंने एनिमल मॉलिक्यूल्स उसको नाम दिया। ठीक है, इस टाइप के टाइनी लिटिल एनिमल्स जो कि पॉन्ड वाटर में उनको दिखाई देते थे। फिर अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग खोज किया, और उसके जरिए कुछ रिसर्चर्स ने एक सेल की थ्योरी बनाई, सेल थ्योरी। यहाँ पे जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस स्लाइडेन, है ना, कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल्स।
दे आर को-फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी। इसी के अलावा एक और साइंटिस्ट स्वान, उन्होंने एनिमल्स पे काम किया और फिर दोनों ने मिला के एक सेल थ्योरी का पब्लिश किया। और रुडोल्फ वर्चो, सेल्स डिवाइडिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स कम फ्रॉम द अदर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस टाइप के जो यूनिवर्सल कोड थे वो एक सेल थ्योरी में उन्होंने पॉइंट्स बताए इसको, तो इसको हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। ऑल लिविंग सेल्स थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और रिप्रोडक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल रहेगी वो पहले कोई सेल है उसी से वो बनी हुई होगी, तो सारी एक यूनिवर्सल काइंड ऑफ चीज की ये सब सेल्स में कॉमन रहेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म आप लोगे उसमें, इसी को हम लोग सेल थ्योरी का नाम देते हैं। कुछ और पॉइंट्स ऐड किए गए हैं मॉडर्न सेल थ्योरी में, जैसे आप देखोगे सेल्स कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ऑल सेल्स के अंदर जो है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होगी जो कि एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जाएगी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ऑल सेल्स आर बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि सारे सेल्स जो है केमिकल लेवल पे सेम होते हैं और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी सेम होती है, वहाँ पे जो आप प्रोसेस देखोगे कई चीज़ें कॉमन आपको मिलेंगी। फिर इस यहाँ पे और तरीके के माइक्रोस्कोप्स आए धीरे धीरे, और ज़्यादा खोजें हुई, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप 1500 तक, 500,000 एक्स तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, 100 मिलियन टाइम्स स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार हुआ और उनकी कैपेबिलिटी बढ़ी, और हम लोग अब सेल को बहुत ही मतलब बड़ा करके देख सकते हैं, 100 मिलियन टाइम्स उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनलीज, नए नए ऑर्गेनलीज का हमें पता चला, नए नए फंक्शंस का पता चला। तो यहाँ पे अलग अलग रिसर्चर्स का एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवरी किया, सेंट्रीओल की खोज एडवर्ड वॉन बेंडन ने 1883 में दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपके नॉलेज के लिए, ये सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये कि आए एग्ज़ाम में, इतना कोई इम्पोर्टेंट तो अभी तक नहीं है ये, लेकिन नॉलेज के लिए कि ये चीज़ें अलग अलग साइंटिस्टों के योगदान से आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो भी आप यहाँ पे सेल के बारे में जानते हो। तो कोई एक किसी आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी ने सेंट्रोसोम पे काम किया, साइटोस्केलेटन पे काम किया, अलग अलग ऑर्गेनलीज की खोज हुई, साइटोसॉल, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, तो सारे रिसर्चर्स ने मिल के हम लोगों ने यहाँ पे ये देख रहे हैं। अब इन्हीं ऑर्गेनलीज को हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो सेल को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, है ना, अगर देखें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर अगर डिवाइड करें तो एक सिंपल सेल और एक कॉम्प्लेक्स सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू बेसिक टाइप्स, वहाँ पे आप देखोगे कॉम्प्लेक्स सेल मिलेगी ज़्यादातर आपको, जिसके अंदर काफ़ी कुछ मिलेगा। यूनिसेलुलर यानी कि ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन सेल, ठीक है, एक ही सेल के अंदर पूरी इनकी लाइफ जो है पूरी गुजर जाती है टाइप में। तो यहाँ पे जो मैंने वही बात है कि उसकी समरी एक टाइप से यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पॉइंट्स लिखने के लिए आपको सेल आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है वाई सेल एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है, तो उसके लिए आप इस टाइप्स के पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हो कि सेल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म ऑफ द सेल एंड टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, जो भी उसके काम होते हैं उसी के अंदर होते हैं। सेल आल्सो एसेंशियल फॉर फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, जेनेटिक, मेटाबॉलिक फंक्शन, परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। फर्दर मोर सेल प्रोवाइड फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स, कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल एनर्जी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर और भी चीजें मिलेंगी, स्पेशलाइज सेल्स मिलेंगी आपको दैट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ये सारे पॉइंट्स हैं, जब आप इसको लिखना शुरू करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जब आप पॉइंट्स में नहीं याद करोगे तो लिख नहीं पाओगे, ठीक है, तो उस तरह से आपको ये चीज़ें वो पता होना चाहिए वो करके। तो
तो सेल्स कैन डिवाइड, दे कैन डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल्स, हम लोगों ने देखा था। और इसके अलावा वो स्पेसिफिक रोल भी दिखा सकती हैं। आप देखोगे बॉडी ऑर्गन सिस्टम, ब्लड, ब्लड वेसल्स, बोन टिश्यू, स्किन, सब के सेल्स हैं, लेकिन सब में अलग अलग रोल हैं उनके। इंडिपेंडेंट सेल्स भी हैं जो कि दैट कैन कंडक्ट ऑल द बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ, सिंगल सेल। तो वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो न्यूट्रिएंट को कैप्चर कर सकता है, एक्सक्रीट कर सकता है, मूव कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब सारे ओवरऑल जो बेसिक के लाइफ प्रोसेस हैं वो एक सेल के अंदर हो सकती है। दैट इज वाई द सेल एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब सेल का जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। यहाँ पे 5 डिफरेंट लेवल जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ऑर्डर्स सेल्स। सबसे पहला बेसिक ऑर्डर, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ। अब सेल को मिला के आपका बनेगा टिश्यू, एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स दैट शेयर कॉमन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड वर्क। ठीक है, तो जैसे कनेक्टिव टिश्यू, एक नाम दे दिया कनेक्टिव टिश्यू, विच कनेक्ट टिश्यूज, इपिथीलियल लाइंस प्रोटेक्ट ऑर्गन, हमारी जो सारी इपिथीलियल सेल पे कवरिंग रहती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मूवमेंट, ये सारे टिश्यूज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलके बने हुए हैं। ऑर्गन्स, अब इन्हीं टिश्यूज को मिला के हम लोग ऑर्गन बना देते हैं, ब्रेन, लीवर, हार्ट, और पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये है कि एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, एंड दिस वी कॉल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ। इस टाइप से मान लो क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, तो आप इस टाइप से लिखोगे उसको। ठीक है, कि कैसे वो लाइफ का ऑर्डर बना हुआ है। यूनिवर्सल, हाँ, मतलब इसको फ्लो शीट में, आप फ्लो डायग्राम में दिखा के बना सकते हो वो करके। ओके, तो सेल्स जो है, अब हम सेल्स के बारे में यहाँ जानने वाले हैं, इस वाले ऑर्डर में हम लोग सेल्स को जानेंगे। तो सेल्स जो है एक तरीके का शेप नहीं होता उसका, सेल्स का शेप बहुत वेरी होता है। यहाँ पे आपको शेप इज रिलेटेड टू फंक्शन, जो सेल की शेप रहेगी वो उसके फंक्शन पे डिपेंड रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो नर्व सेल्स दैट कैन बी 1 मीटर लॉन्ग बट वेरी थिन। क्यों चाहिए इसको लंबा होना? हाँ, सिग्नल्स वगैरह को ये ट्रांसमिट करता है। अगर हमारे यहाँ स्विच हुआ तो तुरंत पता चल जाता है कि स्विच हुआ है। तो लंबा हमला होगा तो जल्दी ट्रांसमिट होगा ना, अगर गोल होगा तो कैसे उतना बढ़िया से हो पाएगा। तो सेल का जो शेप होता है वो भी उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा, है ना। स्मॉलेस्ट सेल कॉज रिस्पायरेटरी डिजीजेस, सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच एग। फिर सेल का शेप क्यूब लाइक हो सकता है, टाइल लाइक, डिस्क शेप, स्फेरिकल, ब्रांचिंग, सिलेंड्रिकल, अलग अलग टाइप के सेल आप देखते हो और अलग अलग रोल करते हैं। इसके अलावा सेल की साइज भी बहुत अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे एक साइज का एग्जांपल दिया हुआ है, सेल साइज का आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना होता है। 100 नैनोमीटर से सबसे बड़ी वाली ये है, फिर फ्रॉग एग इस तरह से 10 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर, इस टाइप से ये दिया हुआ है। 1 माइक्रोमीटर की सेल बैक्टीरिया वाली, और उससे भी छोटा आपका ऑर्गेनली वगैरह आ जाएगा इसमें। फिर ये अलग अलग जो है सेल्स के, यहाँ पे आप देख पा रहे हो